नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार। आगरा लीक्स के इस स्पेशल बुलेटिन में पेश है अब तक की खास खबरें। पहली खबर कोरोना से संबंधित है। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को 1,45,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज देश भर में मिले हैं। इस दौरान 794 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कोरोना के नए केसों और मौतों की बढ़ती संख्या से देश भर में दहशत फैल रही है। लगातार 4 दिनों से हर रोज़ 1,00,000 से ज़्यादा संक्रमण केस आ रहे हैं। अब तक 1,32,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या भी 1,68,000 से ज़्यादा हो चुकी है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय एक्टिव केसों का लगातार बढ़ना है। इस समय देश में 1,00,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। इनके उपचार की व्यवस्था में भी दिक्कत आ रही है। दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडरों और बेड्स की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना पर रोकथाम के उद्देश्य से देश भर में टीकाकरण का अभियान तेज कर दिया गया है। अब तक 9,80,00,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुछ राज्यों में वैक्सीन की किल्लत भी सामने आ रही है। अब दूसरी खबर चुनाव को लेकर। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए आज चल रहे चौथे चरण के मतदान में हिंसक घटनाओं के बावजूद बम्पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 5 जनपदों की 44 विधानसभा पर मतदान कराया जा रहा है। कूच बिहार में आज सुबह 11 बजे भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक भीड़ उठी। हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ अन्य स्थानों पर भी छुटपुट हिंसा की घटनाओं की सूचना मिली है। अब खबर ग्लैमर की दुनिया से। बाप्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के 74वें अवार्ड्स फंक्शन में इस बार देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा भी प्रेजेंटेटर होंगी। इन अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द वाइट टाइगर भी कैटेगरी 2 में नामांकित की गई है। बरेली जैसे छोटे शहर से मुंबई और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई अभिनेत्री प्रियंका की फॉलोइंग जबरदस्त है। यह अवार्ड फंक्शन आज और कल आयोजित किया गया है। इधर आईपीएल के 14वें सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। कल कांटे के मुकाबले में विराट कोहली की आरसीबी ने रोहित शर्मा की नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस की टीम को 2 विकेट से हरा दिया। आईपीएल का आज शाम 7:30 बजे से दूसरे मुकाबले में गुरु और चेला की टीमों के बीच भिड़ंत हुई। गुरु महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके के सामने उनके चेले ऋषभ पंत की डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला रोचक चल रहा है। ये थी अब तक की खास खबरें। देश विदेश ग्लैमर और खेल की खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आगरा लीक से। धन्यवाद।